अभी के टाइम में YouTube पे व्लॉग चैनल्स बहुत ही ज़्यादा रन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग व्लॉग चैनल क्रिएट करके व्लॉग्स बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका भी मन करता है कि व्लॉग चैनल क्रिएट करें, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप लॉन्ग वीडियो उतनी क्रिएट नहीं कर पाते, या फिर ये भी होता है कि पब्लिक प्लेस पर आप कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते। तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप मिनी व्लॉग का चैनल स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखते होगे, तो शॉर्ट्स जब स्क्रॉल करते हो आप, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी वीडियोज़ देखने को मिलते होंगे जो कि व्लॉग वाले वीडियो होते हैं और जस्ट वो शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्मेट में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम में मिनी व्लॉग के चैनल्स बहुत ही ज़्यादा रन कर रहे हैं और उन पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहो तो एक मिनी व्लॉग का चैनल स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या कुछ करना होगा वो सब कुछ इस वीडियो में वन बाई वन करके हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि इस तरह का जो भी वीडियो आप बनाओगे, अगर आप पॉसिबल हो तो फेस कैम ही बनाना। अगर नहीं है तो आप विदाउट फेस कैम भी वीडियो क्रिएट कर सकते हो व्लॉग वाले, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप अपना चेहरा दिखा करके ही क्रिएट करना। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि अगर आप अपना फेस दिखा करके डायरेक्ट व्लॉग शूट कर रहे हो, तो उसमें आप डायरेक्ट उसी टाइम बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको पब्लिक प्लेस में बोलने में प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें वहाँ पर आप नहीं बोल पाते, शुरू में होता है सबके साथ नहीं बोल पाते हम, तो करना क्या है आपको, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया अपने, उसके बाद अपने किसी भी मोबाइल एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर उस वीडियो को ले जा करके उसका जो मेन साउंड है उसको म्यूट किया आपने और उसके ऊपर अपनी आवाज़ दे दी, वॉइस ओवर कर दिया उस वीडियो के ऊपर और थोड़े बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक्स लगा दिए, बस आपका व्लॉग वीडियो बन गया। तो इस तरीके से आपको मिनी व्लॉग वाले वीडियो को क्रिएट करना है। तो इसके अंदर की सारी चीज़ें कैसे करनी है, चलिए वो सब कुछ वन बाई वन करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। जो सबसे पहले हमारा इक्विपमेंट है वो है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो हमारे पास होना ही चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास माइक अवेलेबल है तो बेहतर है अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए। और ये माइक तब ज़्यादा जरूरी है अगर आप मान लीजिए कि जिस प्लेस पे जा रहे हो वहाँ पे डायरेक्टली ही बोल करके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो अपने फ़ोन से भी वॉइस ओवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी जो चीज़ है वो है ट्राइपॉड। अगर मान लीजिए कि आप जो भी वीडियो क्रिएट करोगे मिनी व्लॉग के अंदर, अगर आपके साथ हमेशा ही कोई ना कोई एक पर्सन रहता है, तब तो ट्राइपॉड की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको फ़ोन दे करके सारी सीनरी रिकॉर्ड करा सकते हो और उसमें आप अपना मूवमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन आप हर जगह अकेले जाते हो या फिर बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको अकेले ही रहना पड़ता है, तो एक गोरिल्ला पॉड ले लो आप, 200-300 का गोरिल्ला पॉड नॉर्मल सा मिल जाता है, उसको ले लो आप, ताकि उसमें अपना मोबाइल लगा करके अटैच करके अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से आप रिकॉर्ड कर पाओ खुद से ही। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसके थ्रू आप अपने मिनी व्लॉग को अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाओगे। अब आपको पता है कि जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं वो एक मिनट के होते हैं, मतलब एक मिनट से ज़्यादा अगर उनका ड्यूरेशन रहता है तो वो शॉर्ट्स के कैटेगरी में आएंगे ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी शॉर्ट वाले वीडियो क्रिएट करोगे वो 60 सेकंड के ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप भी जो भी अपने व्लॉग वीडियो क्रिएट करोगे उसको भी 60 सेकंड के अंदर ही रखोगे, मतलब 60 सेकंड से ऊपर नहीं जाना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, वो ये है कि आप जिस भी प्लेस पर जा रहे हो, जिस भी जगह पर जा रहे हो, तो अलग अलग एंगल से कुछ एक क्लिप्स आप रिकॉर्ड करोगे। मतलब कि जिस भी जगह पे आप गए हो वहाँ के कौन कौन से ऐसे जगहें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, कौन सी ऐसी सीनरी है जो बहुत ही अच्छी है, उसको आप रिकॉर्ड करोगे। और एक बात का खास ध्यान रखना, आप जब भी आप अपना व्लॉग वीडियो रिकॉर्ड करोगे शॉर्ट्स के लिए स्पेशली, तो अपने मोबाइल को इस तरीके से करके रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि वर्टिकल मोड में रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे लैंडस्केप मोड में मत करना, क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो को फॉर्मेट में चला जाएगा। तो हम शॉर्ट वीडियो क्रिएट करेंगे तो इसलिए हम अपने फ़ोन को वर्टिकल मोड में रख करके वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी आप रिकॉर्ड करोगे जिस भी प्लेस की, वहाँ पे अलग अलग एंगल से अलग अलग फुटेज ले लेना। किसी फुटेज में आप चलते हुए नजर आना चाहिए, किसी फुटेज में आप कुछ बता रहे हो, या फिर किसी फुटेज में आप कुछ दिखा रहे हो कि हाँ यहाँ पे ये टेंपल है, ये इस तरीके का है, मतलब इस तरीके से आप क्रिएट करना है। अगर इस चीज़ को और बेहतर तरीके से आपको समझना है तो आप यूट्यूब पर जा करके सर्च कर सकते हो मिनी ब्लॉग चैनल्स। किसी भी चैनल पर आप जाओगे उनकी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि आप जिस भी प्लेस पे आना अलग अलग एंगल से 2-4-5-10 वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर लेना और उन्हीं को कट कर कर करके हमें 60 सेकंड का एक वीडियो क्लिप तैयार करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब भी आप जहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्ड करो अलग अलग एंगल से अच्छी अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश करना, ताकि जो आपका मिनी व्लॉग वाला वीडियो है वो अच्छा दिखे, लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। और सबसे खास बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन से अपनी व्लॉग वीडियो रिकॉर्ड करोगे, अगर आप फ्रंट कैमरे का यूज कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने हाथ से ही फ़ोन लेकर के रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी कैमरे का लेंस दिया गया, मान लीजिए कि आप फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो बहुत सारे फ़ोन में फ्रंट कैमरा कॉर्नर पर भी होता है, सेंटर पर भी होता है, तो आपको जब भी अपनी
वीडियो रिकॉर्ड करनी है हमेशा ही कैमरे के लेंस पे देख करके वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ना कि डिस्प्ले के ऊपर। आप भले ही बैक कैमरा ही क्यों ना यूज कर रहे हो, कैमरे के लेंस पर देख करके आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि ऐसे आप डिस्प्ले पे देखोगे तो वो पता चल जाता है और वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा जब भी आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे। और जब भी आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, मान लीजिए आपने फर्स्ट वीडियो बनाई फिर दूसरी वीडियो बनाई, तो धीरे धीरे करना क्या है आपको, अपने उस वीडियो के अंदर अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ाना है। मतलब कि आपको अपने फ़ोन से, आपको अपने कैमरे से दोस्ती कर लेनी है, ताकि जो भी पर्सन, जो भी ऑडियंस आपकी वीडियो देखेगी, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगी, तो उन्हें भी लगे कि हाँ पर्सन ये जो वीडियो बना रहा है इसमें कॉन्फिडेंस लेवल है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल उसमें अच्छा दिखेगा तभी आपकी वीडियो भी और बेहतर बन पाएगी। तो इसलिए हमें कंटिन्यू उसके ऊपर वर्क करना होगा। अब एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट वीडियो के अंदर जा रहे हो, मतलब कि शॉर्ट्स मिनी व्लॉग चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको कोशिश यही करनी है कि कम से कम हर रोज 2 से 3 शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दो, पॉसिबल हो तो। मतलब स्टार्टिंग में यही क्राइटेरिया रखने की कोशिश करनी है कि हर रोज एटलीस्ट कम से कम 2 वीडियो तो जरूर हम शॉर्ट्स वाले अपलोड करें, ठीक है। और शॉर्ट्स के लिए कैसे वीडियो को एडिट करना होता है, कैसे उसके लिए और अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं, कैसे उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज बनाई हुई है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो देख सकते हो। और फ्री में बैकग्राउंड म्यूजिक ब्लॉग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं वीडियो YouTube ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर, जिनको आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी कॉपीराइट क्लेम के। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें होगी। अब मान लीजिए कि आपने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, शूट कर ली, सब कुछ कर लिया, अब वीडियो को क्या करना है, हमें एडिट करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी वीडियो को एडिट करोगे, तब कोई भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन जब आप यूज कर रहे हो तो उसमें वाटरमार्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि शॉर्ट्स भी मोनेटाइज हो चुका है। और शॉर्ट्स पे अगर मान लीजिए कि आपने शॉर्ट्स का चैनल स्टार्ट किया, 1000 सब्सक्राइबर आपके साल भर के अंदर कंप्लीट हो गए, और 3 महीने के अंदर आपके जितने भी शॉर्ट्स अपलोड हुए हैं उन सबको मिला के अगर 10 मिलियन व्यूज हो जाते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये भी अभी क्राइटेरिया हो चुका है यूट्यूब पे, आपको पता होगा। तो इसलिए अपने चैनल पे रेगुलर रह करके अच्छे तरीके से वर्क करना है, और अपनी वीडियो को ऐसे एप्लीकेशन से एडिट करना है जिसमें वाटरमार्क ना मिले। इसके लिए आप चाहो तो VN एडिटर का यूज कर सकते हो, यूकट का यूज कर सकते हो, या फिर InShot में भी कर सकते हो। और इन सारे एप्लीकेशन से कैसे वीडियो एडिट करना होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इन सारे एप्लीकेशन में एक चीज़ होती है कि अगर आप ऐड देखते हो ना, तो ऐड देखने के बाद उस वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट करोगे तो वाटरमार्क नहीं आता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। तो इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो सीख सकते हो। अब यहाँ पे मैं एडिटिंग के कुछ टिप्स आपको बताता हूँ। आपने मान लीजिए कि वीडियो को अच्छे तरीके से कट करके 60 सेकंड तक अपने किसी वीडियो एडिटिंग लेयर पे लगा लिया, उसके बाद अब क्या करोगे आप कि अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर लगाओगे, मतलब कि अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करोगे, जिस तरीके से जो भी सीन आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेनी है कि हाँ यहाँ पे हमने ये टेंपल देखा, उसके बाद यहाँ पे हम घूमने गए, उसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ की ये चीज़ें अच्छी लगी, इस तरीके से सब कुछ बोल करके रिकॉर्ड कर लेना है। तो पहले अपने वीडियो लेयर लगा लिया, उसके बाद जो आपकी आवाज़ है, जो वॉइस ओवर है, उसको वहाँ पे अप्लाई किया, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने का मन हो तो वो भी अप्लाई कर दिया। अब सबसे मेन जो ज़रूरी चीज़ है वो है फिल्टर यूज करना है आपको। फिल्टर हमारी वीडियो को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाती है, अगर उसका जो कलर है, थोड़ा लाइट है, वो कम है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, हमने वीडियो पर लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तो अगर हम वीडियो पर फिल्टर यूज कर लेते हैं तो हमारी वीडियो एकदम से कलरफुल हो जाती है, थोड़ी अट्रैक्टिव लगने लगती है। तो इसलिए फिल्टर का हम यूज़ करेंगे। और अभी के टाइम में जो भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस हैं उन सब के अंदर फिल्टर्स अवेलेबल हैं, आप चाहो तो उनका यूज कर सकते हो। आप सब पे जब क्लिक करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस फिल्टर पे आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी दिख रही है, उसी को हम सिंपली यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा जो एडिटिंग टिप है वो है वीडियो में हमें टेक्स्ट यूज करना है, यानी कि जब आप वीडियो एडिट कर रहे होगे उसमें जहाँ पे भी जरूरत लगे, जहाँ पे भी समझ में आए कि हाँ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, मान लीजिए कि आप किसी भी जगह पे गए हो तो वहाँ उस जगह का नाम लिख सकते हो, वो किस सड़क पे है, कहाँ उसका एड्रेस है, मतलब ये सब कुछ टेक्स्ट लिख करके शो कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये कि आपको अपनी वीडियो में ट्रांजिशन इफेक्ट्स का यूज जरूर करना है। मतलब कि मान लीजिए कि 60 सेकंड की आपकी वीडियो है, उसमें 5-6 क्लिप्स हैं अलग अलग, सबको एक जगह जोड़ करके आपने लगा दिया, तो एक क्लिप से हम दूसरे क्लिप में जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे हम ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो हर एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, उनको हम लगाएंगे। जब हम ये सारी चीज़ें करके अपनी वीडियो को एडिट करते हैं तो हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट टाइम से ये जरूर कीजिएगा, मतलब ऐसे ही नॉर्मली एडिट करके अपनी वीडियो को अपलोड मत कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट, फिल्टर, टेक्स्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब कुछ यूज कीजिएगा, इन सबको यूज करके अपने वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट कीजिएगा, तब YouTube पे
अपलोड कीजिएगा। और शॉर्ट्स वीडियो को अपने चैनल पे कैसे अपलोड करना होता है, क्या तरीका होता है, क्या हैशटैग्स यूज करने चाहिए, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो को भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जब आप अपने चैनल पे वर्क करने जाओ तो आपका चैनल फटाफट ग्रो हो सके, आपकी वीडियोज वायरल हो सके। इसलिए उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और रही बात थंबनेल की, तो देखिए शॉर्ट्स के अंदर थंबनेल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। जब आप अपने शॉर्ट वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करोगे तो उसका जो मिड पॉइंट होता है वही ऑलरेडी थंबनेल बन जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को अगर आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो जो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे शॉर्ट्स को अपलोड करना है, अगर उस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने मिनी ब्लॉग से रिलेटेड जो भी चीज़ें अभी आपको बताई हैं, अगर उनमें से कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, या फिर अगर आपके कोई सवाल रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और मेरे तरफ से आपके इस नए मिनी ब्लॉग चैनल के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।